नमस्कार सभी प्यारे स्टूडेंटों को और सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों के लिए वीडियो अति आवश्यक है और हम सब किसान वर्ग से हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी बड़ा आवश्यक वीडियो है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं ताकि फायदा, मैंने कहा नहीं कभी शेयर करने, इस वीडियो के लिए आपको कह रहा हूं क्योंकि जरूरी वीडियो है ये। थोड़ा सा ये वर्तमान में हम पशुओं बगैर हम हमारी कल्पना नहीं कर सकते, हमारी दैनिक आवश्यकता दूध दही छाछ सब पशुओं से मिल रही है और वर्तमान में पशुओं के अंदर बहुत भयंकर रोग फैला हुआ है और उस रोग का नाम है लंबी स्किन डिजीज रोग। हो सकता है आपने नाम सुना होगा, यह लंबी स्किन डिजीज रोग जो कि एक वायरस रोग है कैंप्रोपॉक्सी या फिर जिसे कहते हैं नीथलिंग वायरस, नीथलिंग या कैंप्रोपॉक्सी वायरस। देसी भाषा में सीधा गांव की भाषा में बात करूं क्यों गांव के अपने बुजुर्गों को याद नहीं रहता, तो गांव वाला सीधा याद रखो गांठीय रोग यानी गंठदार रोग, यानी पशुओं की गांठ हो जाती है वही है गंठदार रोग जिसे हम कह सकते हैं। इस रोग को अगर हम बात करें थोड़ा सा बैकग्राउंड 2 मिनट में, ये रोग सर्वप्रथम जाम्बिया में मिला था 1929 के अंदर, फिर ऐसे होते हुए रूस होते हुए भारत एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश में इसका 2019 में इसका केस मिला था। भारत के अंदर इसका केस 2019 में उड़ीसा के अंदर मयूरभंज में इसका केस मिला था, इस रोग का गंठिया रोग का गांठदार रोग का। तो इस केस में पिछले 16 महीने में भारत के 15 राज्यों में ये रोग फैल चुका है पशु के अंदर, यानी तेजी से वायरस रोग है तो फैलते फैलते समय इतना ही कोरोना में लगा था, फैलते फैलते कभी ना कभी आप तक पहुंच ही जाता है, आपके आस पड़ोस गांव तक इस रोग पहुंच ही जाता है। जैसे कोरोना वायरस जो था डरते डरते 15-16-17 महीने बाद हमारे आस पड़ोस गांव तक पहुंच गया था, तो ये रोग भी मान के चलो कि पहुंच सकता है आपके गांव आपके पड़ोस तक ये रोग। ये रोग किसमें होता है, ये रोग पशुओं में होता है गाय और भैंस के अंदर, विशेष रूप से ये गायों को प्रभावित कर रही है, भैंसों में भी देखा गया इतना नहीं है जितना गायों के अंदर है, गायों में ये रोग ज्यादा देखा गया। अब बात ये आती है कि सर लक्षण क्या है, पहले हम देखें कि इस रोग के लक्षण क्या है। जैसे ही इस रोग के संपर्क में कोई पशु आए, सर संपर्क में कैसे आएगा यानी फैलेगा कैसे, पहले ये देखना है। ये रोग फैलने का एक तो कारण होता है कि पशु दूसरे पशु के रोगी के संपर्क में आ जाए, दूसरा ये आने के बाद मच्छर है मक्खी है इनकी वजह से ये रोग फैलता है। फैलने के बाद कुछ समय लगता है पशु के अंदर इसके लक्षण आने में, सबसे पहले जो लक्षण आएंगे वो गांठ बननी शुरू होगी इससे संबंधित। आज आपको पता है मुख्यमंत्री साहब ने भी इससे संबंधित पोस्ट की थी, क्या ध्यान रखना क्या, वो मैं सीधे आपको देसी भाषा में बता दूंगा। इसमें गांठ बनने शुरू होंगे और पशु के पूरे शरीर के ऊपर गांठ बनेगी, पैरों के अंदर पूंछ के अंदर भी माथे के अंदर भी ऊपर जननांगों के अंदर भी और अंदर भी बन सकती है, यानी गर्भाशय के अंदर भी गांठे बन सकती है। इससे मुंह के अंदर लार टपकनी शुरू हो जाएगी, उसकी नाक के अंदर भी बन सकती है, आंखों के ऊपर भी बन सकती है, बड़ी बड़ी गांठे बननी शुरू हो जाती है। इससे तुरंत ही पशु बीमार हो जाएगा यानी बुखार आएगी उसके बाद में दूध देना कम कर देगा और भी बहुत सारे इफेक्ट पशु के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करें मृत्यु दर तो है कम इसकी, 10% से नीचे ही है, जिस रोग होता है 10% से नीचे पशु मृत्यु दर है इसकी। दूसरी सबसे अच्छी बात यह कि ये पशुओं से मानवों में नहीं फैल रहा है, आपके अगर पशु किसी के हो गए तो डरने की जरूरत नहीं है, मानव के अंदर ये रोग नहीं फैल रहा, फिर भी हमें भी सावधानी रखनी चाहिए लेकिन नहीं फैल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है इस रोग की। अब हम बात करते हैं कि इस रोग की पहचान आपको बता दी, गांठे बनेगी बड़ी बड़ी, इसके बाद में वो गांठे बड़ी होगी, फिर कुछ गांठे फूट के घाव हो जाएंगे और घाव के बाद रस्सी टपकनी शुरू हो जाती है, कुछ गांठे झड़ना शुरू हो जाती है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है और तो पशु धीरे धीरे सही भी हो जाता है, लेकिन पशु में बहुत सारे प्रभावित आएंगे, हो सकता है उसमें जनन क्षमता न रहे या पशु गर्भाशय गए तो गर्भपात भी पशु का हो सकता है, तो इस प्रकार के कुछ लक्षण अल्सर भी बन सकता है। अब हम बात करें कि अगर पशु के हो गया तो हम क्या करें, सर पहली बात वही सावधानियां रखनी पड़ेगी जो कोरोना के अंदर मानव को, क्योंकि एक वायरस रोग है, वायरस रोग कभी समाप्त नहीं होते, जैसे कोरोना एक वायरस रोग है, पोलियो वायरस रोग है, HIV वायरस रोग है, तो रेबीज है, ये रोग जो है वो कभी समाप्त नहीं होते, तो वायरस रोग कभी समाप्त नहीं होता, इनका कभी उपचार भी नहीं आता, इनका बचाव ही इनका उपचार होता है। जब पशु के हो जाए तो हमें डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना है, वो डॉक्टर दवाइयां देगा, उनकी हम चर्चा न करके हम देसी इलाजों की चर्चा करेंगे इनके अंदर। जैसे ही पशु के अंदर हुआ सबसे पहले तो पशु को क्वारंटाइन करो, यानी अगर आपके पास 10 गायें हैं 10 भैंसे हैं या और पशु है, जिसके हो गया उस पशु को अलग किया जाए, उसका खाने पीने बर्तन सारे ही अलग रखे जाए। दूसरी बात, ये रोग मच्छरों द्वारा या मक्खियों द्वारा फैल रहा है, अब किसान भाइयों को बताने की जरूरत नहीं है कि मच्छरों को कैसे भगाया जाए, मक्खियों को कैसे भगाया जाए, कैसे भगाया जाए, क्योंकि या तो धुआं कर दो या फिर वहां नीम जला दो या गिलोय नीम जलाने का, ये कपूर वगैरह का बताया वो भी आप कर सकते हो, इससे आपके मच्छर, क्योंकि मच्छरों द्वारा ये एक पशु से दूसरे।
दूसरी बात, हमारे क्या होता है, गांव के अंदर एक ही खेड़ होती है, पशु सारे वहीं जाते हैं। कुछ दिन उस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, पशु कहीं साथ में गांव के चरने जा रहे तो वहां भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि किसान वर्ग के लिए एक संपत्ति का प्रतीक माना जाता है पशु। और बहुत बड़ी भी आजकल पैसे भी बहुत लगते हैं, भैंस लाए, गाय लाए, ऊंट लाए। तो अब देखिए, पहचान आपको बता दी गई है, अब गांठ बननी शुरू हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पिछली बार कोरोना में किसी को खांसी आ रही, बिन टेंशन यार आपने खांसी है को नहीं है, घटी कोरोना रही एक नॉर्मल है। कई बार पशु में ऐसे भी गांठ हो सकती है, पहचान सीधी सी है। आपके गांव में किसी के ये हुआ और उसके बाद में किसी पशु के हो रहा है, तो कंफर्म मान लेना आपके गांव में ये रोग आ चुका है पशु के अंदर। अब बचाव एक से दूसरे के हो रहा है तो मतलब कंफर्म आ चुका है, पहचान सीधी सी है। अब इसकी कोई जांच थोड़ी कराओगे। अब बात करने की इसका इलाज क्या है। किसी भी वायरस रोग का इलाज ओनली फॉर इम्यूनिटी पावर होता है। जैसे कोरोना का क्या था, इम्यूनिटी पावर, हम लोग इम्यूनिटी की चीजें खा रहे थे तो वही इम्यूनिटी पावर। अब बात है कि पशुओं की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, पशुओं की इम्यूनिटी पावर ही जरूरी है। पहली बात, सबसे अच्छा अगर पशु के अंदर हुआ है तो पहले सबसे पहले क्या करना है, एक तो आप क्योंकि ये एक त्वचा का रोग है जिसके अंदर पशु की खुजली आना ये चीजें होगी, ये एक स्किन डिजीज रोग कह सकते हैं हम इसे। पहले अगर आपके नहीं भी आए तो भी आप ये काम कर सकते हो। क्या करना है, नीम की पत्तियां लाके और उसे पानी में उबालेंगे और उसके बाद पानी ठंडा हो जाए तो आप अपने पशु को इससे नहला सकते हो। अगर आपके पशुओं में नहीं आए तो भी ये प्रयोग कर सकते हो, ये नॉर्मल चीज होती है ये। इसके बाद है पशु की इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाए। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप पशुओं को आंवला, सूखे आंवले भी खिला सकते हो। इससे अगर आपका पशु गाभिन भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंवलों से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। आप सूखे आंवले पीस के पशु को 25 से 50 ग्राम तक खिला सकते हो। इसके अलावा जो गिलोय होती है, गिलोय की कुछ पत्तियां लाके अपने पशु को खिला सकते हो, इससे भी पशु की क्या बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। इसके बाद में जो इलाज है, देसी इलाज, ये भी बहुत अच्छा कारगर है। अब आप कहोगे कि सर आप डॉक्टर बने, मैं डॉक्टर नहीं बना, मैंने वीडियो देखे हैं, गूगल पे सर्च किया है, उसके बाद में ये चीजें, क्योंकि देसी चीज है, इससे कोई पशु पे साइड इफेक्ट नहीं आएगा, आप कर सकते हो इसके अंदर। हाँ, कुछ जो है वो गर्भवती अगर गाभिन पशु है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये सामान्य पशु में कर सकते हो, गाभिन पशु में नहीं। गिलोय वगैरह नॉर्मल चीजें आप खिला सकते हो पशुओं को। ये जैसे हम लोगों की घाव हो जाता है, इसमें क्या होता है, पशु की गांठ बनेगी, घाव होगी, तो कई बार फिटकड़ी लगाते देखा होगा, प्रत्येक नाई जो है वो कटौती फिटकड़ी लगाता है। तो करना क्या है, आपको थोड़ी आधे किलो फिटकड़ी ले लें और लगभग 20-25 लीटर पानी यानी एक बाल्टी के बराबर पानी के अंदर उस फिटकड़ी को घोल लें। घोलने के बाद पशु को आप पूरे को नहला सकते हो, क्योंकि इससे घाव वगैरह भरने के चांस, यानी पूरे पशु को उससे क्या करा दो स्नान। ये होने के बाद में वो नीम वगैरह तो ऐसे ही कर सकते हो, ये अगर पशु के हो गया तब तब आप क्या करना है, पहले तो ये प्रयोग करें आप। इसके बाद में तुरंत ही एक दूसरा प्रयोग करना है, क्या करना है, ये दूसरी, ये देने के बाद ये दूसरी खुराक तो कारगर बताई गई है। ये क्या है, बाजरी को आटो पीस लो, महीन भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा पशु के खाने लायक आप पीस सकते हो। उसमें 2 बड़ी चम्मच हल्दी डाल दो, उसके बाद में उसमें देसी घी, गाय का ही घी होना चाहिए, बहुत सारे गाय के रोग तो गाय को घी देने से ही हो जाते हैं। उसमें 50 से 60 ग्राम आप घी डाल दो, फिर उसको बना लो लोथा, यानी रोटी बनाने के लिए अगर सूखा है थोड़ा पानी भी डाल सकते हो, यानी ओसन ले, ओसन के 2 मोटी रोटी बनाओ, रोटी बना के भी सेको, सिर्फ एक साइड से सेकना है उस रोटी को, दोनों साइड से नहीं सेकना है, और वो आप अपने पशुओं को खिलाए, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी पशु की और बहुत अच्छा फर्क आना भी नजर आ जाएगा। ये जो इलाज है मैं कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन देसी इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, मैंने गूगल वगैरह यूट्यूब पर देख के आपको ये देसी इलाज बताया, और भी आप देख सकते हो, कोई बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और मच्छरों को मारने की व्यवस्था तो सबसे पहले करें, जैसे भी करनी है नीम वगैरह जला दिया करो, धुआं कर दिया करो इसे। तीसरा जो है वो बड़ा प्रयोग जो है वो भी आप कर सकते हो, ये जो तीसरा प्रयोग है वो गाभिन पशु पे नहीं किया जाए। ये क्या करना है, इसके अंदर आपको गिलोय लेनी है लगभग 50 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा अगर 20 तुलसी के पत्ते ले लो, 8 लौंग ले लो, आप लिख भी सकते हो तो बाकी भी पहले वाले प्रयोग भी करते हो। बाकी देखो डॉक्टर को तो सबसे पहले बुलाना है, वो जो डॉक्टर आप देगा, जैसे खुजली की दे देगा डॉक्टर और वगैरह उन चीजों में, वो तो डॉक्टर के काम है, वो नाम बताने से भी क्या फायदा है। यानी थोड़ा सा आप गिलोय ले लो 50 ग्राम, इसके बाद 20 तुलसी के पत्ते मिला लो उसमें, 8 लौंग, 20 काली मिर्च और पिसेड़ी अदरक लगभग 10 ग्राम, जितनी मात्रा बताइए उतनी ही होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दोबारा देख लेना क्या क्या। फिर 1 लीटर पानी में उसे घोल लो, जब पानी उबालो 1 लीटर पानी में, जब पानी आधा लीटर बचे तब उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दो, ठीक है।
दो चम्मच लगभग, 5 दिन तक ये भी पशु को कर सकते हो, लेकिन गाभिन पशु के अंदर ये न करें। ये एक रोग है, अगर आ जाए तो कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छा इम्यूनिटी पावर है तो पशु धीरे धीरे सही हो जाए, लेकिन पशु की बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दूध और बाकी मानवों में